नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आपने भी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया और आपने अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि मैंने मेरे चैनल के ऊपर मेरा पहला वीडियो किस प्रकार से वायरल किया और किस प्रकार से मैंने अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर कितने टाइम में मैंने कंप्लीट किए और उसके लिए मैंने क्या किया, वो सारी की सारी अपनी आप बीती आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर जैसे वो अपने वीडियोस को अपलोड करें तो उनका वीडियोस ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हासिल करता चला जाए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के ऊपर उनके व्यूज की प्राप्ति होती चली जाए और उनका चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो होता चला जाए। लेकिन सभी के साथ ऐसा होना मुमकिन नहीं होता, यानी कि काफी सारे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर इस समय कॉम्पिटिशन हो चुका है और काफी सारी मात्रा में हमारे वीडियोज हर मिनट, हर घंटे, हर दिन हमारे अपलोड किए जाते हैं। और उन वीडियोस के अंदर, हमारे वीडियोस के अंदर अगर कुछ अट्रैक्टिव बात होगी, अगर कुछ अलग बात होगी, अगर कुछ दम वाली बात होगी तो ही हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमारे वीडियोस को देखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलने वाला। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियोस किस प्रकार से वायरल किया। अब वायरल करने की बात जहां पर निकल के आती है तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने चैनल के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना दिए। अब वीडियोस बनाने के बाद में अपलोड भी कर दिए, अपलोड करने के बाद में मैं देखता हूं कि मेरे वीडियोज के ऊपर कभी एक व्यूज आता है, कभी दो व्यूज आते हैं, कभी तीन व्यूज आते हैं। यानी कि काफी सारे 10 से 12 वीडियोस मैंने डाल दिए थे लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज की प्राप्ति उसी प्रकार से आती, 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 व्यूज। एक दिन क्या किया, मैंने एक वीडियोस अपलोड किया और उस वीडियोस के ऊपर 7 व्यूज की प्राप्ति हो गई। 7 व्यूज जैसे मैंने अपने वीडियोज के ऊपर देखे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं ये देखा कि मेरा वीडियोज वायरल हो चुका है और मेरे वीडियोज को भी लोग देखने लगे हैं और अब मेरा चैनल बहुत तेजी से ग्रो होने लगेगा। लेकिन जब मैंने एनालिस्टिक किया कि जो 7 व्यूज हैं मुझे कहां से प्राप्त हुए, यानी कि एक व्यूज तो मैंने अपने मोबाइल से ही मैंने वॉच कर लिया, दूसरा मैंने मेरे घर के नंबर से वॉच कर लिया और 1 और 2 व्यूज हैं मैंने मेरे फ्रेंड के मोबाइल से वॉच कर मैंने इंक्रीज कर लिए, तो इस प्रकार से टोटल मेरे वीडियोज के ऊपर 7 व्यूज की प्राप्ति मुझे हो गई। और उसके बाद में मैं समझने लगा कि हाँ, मेरा वीडियोस भी वायरल होने लगा है, मेरे वीडियोस के ऊपर भी ऑडियंस आने लगी है और मेरा वीडियोस भी लोगों को पसंद आने लगा है, जिसके अंदर से 7 व्यूज के ऊपर मुझे 4 लाइक की प्राप्ति हुई। यानी कि मैं ये सोचने लगा कि वाह, कितना अच्छा वीडियोस मैं बनाने लगा हूं और काफी सारे लोग अब मेरे वीडियोज को लाइक भी करने लगे हैं। यानी कि 7 में से अगर 4 लाइक मुझे मिल गए तो सोचिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि अबाउट 60% मुझे लाइक की प्राप्ति हो गई। तो अब मैं ये सोचने लगा कि मेरे वीडियोस के ऊपर भी व्यूज आने लगे हैं और मैं भी अब अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनाने लगा हूं। फिर मैंने अगला वीडियोस अपलोड किया तो वही 1 या 2 व्यूज, क्योंकि अगली बार मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने वीडियोस को वॉच नहीं किया। तो इस प्रकार से काम नहीं चला और मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। बिल्कुल से मैं ऐसा सोचने लग गया था कि शायद YouTube के प्लेटफॉर्म पर अब किसी प्रकार का कोई भी अच्छा वीडियोस मैं नहीं बना सकता और YouTube के प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक शायद मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे वीडियोस को कोई देखता ही नहीं है। फिर एक दिन अचानक मुझे कुछ ख्याल आया कि एक जो मेरा फ्रेंड था उसके पास मोबाइल था सैमसंग J2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरा फ्रेंड था जिसके पास सैमसंग का मोबाइल था, सैमसंग J2, और उसके अंदर वो लॉक लगाकर भूल गया, पैटर्न लॉक लगाया था और बच्चे ने कुछ गलत पैटर्न लगाने के बाद में वो बिल्कुल से ब्लॉक हो गया और वो लॉक हो गया। अब वो मेरे पास आया कि ये पैटर्न लॉक लग गया, इसको किस प्रकार से अनलॉक करें। पहले मैं क्या वीडियोस बनाता था,
वो मोबाइल के ऊपर ही अपलोड करता था, मोबाइल के कुछ टेक्निकल वीडियोस बनाता था, मोबाइल रिपेयरिंग के मैं कुछ वीडियोस बनाता था, और अगर आपका मोबाइल खराब होगा तो ही आप मेरे वीडियोस को वॉच करोगे। तो यानी कि उसका सैमसंग का मोबाइल था, सैमसंग J2, और उसमें लॉक लग गया था। तो मैंने ये देखा कि ये सैमसंग का जो मोबाइल है J2, अगर मैं इसको अनलॉक करने का वीडियोस बनाता हूँ तो काफी सारे लोग देखेंगे जिनके पास सैमसंग का मोबाइल है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज मैं अपनाता हूं जिसको लोग काफी ज्यादा मात्रा में देखें। तो मैंने उसके ऊपर एक चीज अपना दी कि आप अपने सैमसंग मोबाइल को विदाउट कंप्यूटर के हेल्प के, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटी होती है। तो जिनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी होती है भैया, वो तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है तो वो अपने मोबाइल को अनलॉक किस प्रकार से करें। तो मैंने उस मोबाइल के ऊपर एक वीडियोस बनाया कि आप अपने सैमसंग मोबाइल J2 को किस प्रकार से अनलॉक करें विदाउट कंप्यूटर की हेल्प के, और वो जो वीडियोस है काफी ज्यादा वायरल हुआ। उस वीडियोस के ऊपर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी गलती मैंने करी, उसी वीडियोस ने मेरे काफी ज्यादा व्यूज भी इंक्रीज कर दिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर मात्र 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए, लेकिन उस वीडियोस को मुझे डिलीट करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, उस वीडियोस को मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैं नया ही यूट्यूबर था, मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की ज्यादा जानकारी नहीं थी, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने वो वीडियोस बनाया, लेकिन उस वीडियोस के अंदर मैंने एक गलती कर दी कि मैंने किसी का वीडियोस देखा था, सर्च किया था, उसका भी J2 अनलॉक करने की एक वीडियोस बनाया गया था, तो मैंने उस यूट्यूबर का एज इट इज टाइटल कॉपी कर चुराकर अपने वीडियोस का रख दिया, सेम टू सेम। अब मैं आपको बता दूं, जिस यूट्यूबर का मैंने वो टाइटल चोरी किया था उसके 78 के व्यूज थे और उसके सब्सक्राइबर भी काफी ज्यादा थे, लेकिन मैंने मेरे वीडियोस के ऊपर जब वो टाइटल लगाया तो मेरा जो वीडियोस था वो 200K से ऊपर हो गया, 200K से अबाउ उसके ऊपर व्यूज हो गए और सब्सक्राइबर मेरे 15 से 20 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने जो तरकीब बताई थी वो विदाउट कंप्यूटर के हेल्प के बताई थी, बिना कंप्यूटर की सहायता से आप अपने J2 मोबाइल को किस प्रकार से अनलॉक करें। और जो टाइटल मैंने चुराया था उस टाइटल के अंदर था सैमसंग J2 J1 J3 J4 मोबाइल को किस प्रकार से अनलॉक करें और किस प्रकार से आप उसका पैटर्न, पासवर्ड और पिन रिमूव करें, गूगल अनलॉक किस प्रकार से आप कर सकते हो, वो टाइटल था। तो मैंने एज इट इज कॉपी कर अपने वीडियोस के अंदर डाल दिया। तो मेरे 20 से 25 दिन के बाद में, जब मेरे ये मान लीजिए 200K व्यूज मेरे आ चुके थे और 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुके थे, तो उसके बाद मेरे वीडियोस के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मुझे एक स्ट्राइक मिलती है। जब स्ट्राइक मुझे मिली तो मैं डर गया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि YouTube के प्लेटफॉर्म पर मैं नया ही आया था और मुझे इतनी ज्यादा YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, इतनी पॉलिसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में पता था मुझे कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, किस प्रकार से हम उसका पालन कर सकते हैं, क्या YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो वो कुछ भी मैं नहीं जानता था। जैसे ही मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई तो मुझे उस वीडियोज का लिंक बाय मेल के द्वारा मुझे भेजा गया। अब मैंने ओपन किया तो वहां पर मुझे स्ट्राइक दी गई। अब स्ट्राइक देखकर मैं बिल्कुल से डर गया। स्ट्राइक देखकर जब मैं डर गया तो मैंने तुरंत ही किसी से कोई भी कंफर्म नहीं किया, मैंने तुरंत ही अपने वीडियोस को बिना किसी से कंसल्ट किए डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया तो भैया वॉच टाइम आवर जो मेरा इंक्रीज हुआ था वो तो मेरा लेस हो गया, व्यूज थे वो मेरे एज इट इज शो कर रहे थे, व्यूज में कोई कमी मुझे नहीं देखने को मिली, साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर मेरे आए थे चैनल के ऊपर वो भी मेरे एज इट इज मुझे शो कर रहे, लेकिन वॉच टाइम आवर मेरा डिक्रीज हो गया। अब जो वीडियोस मैंने बनाया उसका ओनर मैं था, मुझे पता लग गया कि किस कारण मेरे वीडियोज के ऊपर स्ट्राइक मुझे देखने को मिली है और मैंने क्या गलती कर दी। तो वो वीडियोज ऑलरेडी मेरे पास कंप्यूटर के अंदर मेरे पास सेव था, तो मैंने क्या किया, उस वीडियोस को तो डिलीट कर दिया जिससे मेरा वॉच टाइम आवर लेस हो गया, और मैंने उसी वीडियोस के दोबारा से अपलोड किया मेरी चैनल के ऊपर, लेकिन मैंने उसका टाइटल अपने अनुसार चेंज कर दिया।
यानी कि मैंने उसका टाइटल बदलकर उसको दोबारा से अपलोड कर दिया और मेरे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर हैं उसी वीडियोज ने बहुत ही जल्दी यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिए और मेरा वही वीडियोज फर्स्ट टाइम में वायरल हुआ था, जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि हाँ ऐसा किसी भी प्रकार का किसी का भी टाइटल मुझे चोरी नहीं करना, किसी का भी टाइटल मुझे एज इट इज कॉपी कर अपने वीडियोस का नहीं रखना, ना ही किसी का थंबनेल मुझे यूज करना, ना ही किसी का वीडियोस अपने वीडियोस के अंदर मिक्स करना। तो इस प्रकार की काफी सारी जानकारी फिर मुझे मिलने लगी, काफी सारी नॉलेज मुझे होने लगी और उसके बाद में मैंने एक ही चीज अपना ली कि ऐसा वीडियोस मुझे अपलोड करना चाहिए जिसको सभी लोग देखना चाहें, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, यानी कि जो ऐसा वीडियोस मुझे बनाना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को शामिल कर सके। यानी कि अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो ही आप मेरा वीडियोस देखोगे, लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम ना आए तो भी आप मेरा वीडियोस देखो। तो ऐसी चीज मैंने अपनानी स्टार्ट करी और उसके बाद में मैंने बिल्कुल एक हमारी ब्लैकलिस्ट का वीडियोस बना डाला जिसको काफी सारे लोगों ने देखा और काफी ज्यादा हमारा वो वायरल हुआ। तो इस प्रकार से यानी कि मेरा फर्स्ट वीडियोस वायरल हुआ और मेरे 1000 सब्सक्राइबर इस प्रकार से कंप्लीट हो चुके। तो अगर आप भी अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे वीडियोज बनाने होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के लोग उसके अंदर शामिल हो सके और सभी लोग के लिए वो उपयोगी साबित हो। तो ऐसा वीडियोस, ऐसा टॉपिक आप बनाइए ताकि आपके चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी आपका वॉच टाइम आवर भी कंप्लीट हो जाए और आपके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए और आप भी अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराकर अपने YouTube से इनकम स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना